गाइस आपको बोला गया था एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 को अटेम्प्ट कर लेना। 20 एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज़ किया था उसमें लॉग वगैरह यूज़ होने वाला है। अपन क्या करेंगे ना, एक लेवल तक उसको आके सॉल्व करके रुक जाएंगे, जहाँ पे लॉग लगने वाले वो अपन बाद में देखेंगे वो चीज़ें। हाँ पर वो कैसे क्या करना है समझाऊंगा बाद में। चलो अभी गाइस अभी ये करते हैं अपन लोग। अ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इट्स पॉपुलेशन एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। अज्यूमिंग नो बैक्टीरिया डाई, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर आफ्टर 3 आवर्स इफ स्टार्टिंग में 1 मिलियन थे, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 मिलियन थे, फिर हो गए 2 मिलियन, फिर हो गए 4, फिर 8, ऐसे कर करके करके बढ़ाते जाओगे तुम लोग, करेक्ट। अब देखो तुम्हारे को कितना बोला गया है आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, ठीक है ना। अब पहला 20 मिनट होने होएगा जब, तो पहला 20 मिनट होने पे तुम लोग सेकेंड टर्म पे पहुंच रहे हो, फिर दूसरा 20 मिनट होने पे तुम लोग थर्ड टर्म, तो ऐसे 9-20 मिनट हो गए तुम लोग 10th टर्म पे पहुंच जाओगे, करेक्ट। तो तुमको सिंपल सा 8-10 निकालना है। तुम्हारा 8-10 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ए तुम्हारा 1 मिलियन था इनटू आर कितना है 2 की पावर, कॉमन रेशो कितना है ये है, हाँ ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, तो 512 मिलियन हो रहा है इसका आंसर। समझा तुमको क्या हुआ है, देख पहले 1 मिलियन था, फिर 2 मिलियन, फिर 4 मिलियन, फिर 8 मिलियन, फिर 16 मिलियन, फिर 32 मिलियन, चलो जीपी बन गया था, वो मिलियन में लिख नहीं रहा था अभी के लिए। पहले 20 मिनट बाद तू A2 पे पहुंच चुकी थी, फिर दूसरे 20 मिनट बाद तू A3 पे, फिर तीसरे 20 मिनट बाद तू A4 पे पहुंच गई थी, तो ऐसे 9-20 मिनट होने वाले, क्योंकि 180 मिनट्स थे तो 9-20 मिनट ऐसे होने वाले, तो तू 8-10 पे पहुँच जाएगी थी, तू 10 देख पहले 20 मिनट तू A2 पहुँचे, तो वैसा हाँ तो देखो 8-10 निकालना था, 8-10 का जो ए आर की पावर 9 हो जाएगा, इतना 1 मिलियन इंटू कॉमन रेशो 2 की पावर 9, तो 512 इंटू 1 मिलियन 512 मिलियन हो जाएगा। समझा जी क्या हुआ है, हाँ रोकड़े। अब देखो मैं एक बार करने का टाइम दूंगा। अब आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को डिविडेंड वगैरह वर्ड पता है नहीं पता है, पढ़ा है अकाउंट थोड़ा बहुत, हाँ ग्रेट। हाँ मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा तुम्हारे को क्या क्या होता है, मुझे जो बेसिक पता है डिविडेंड मतलब एक कंपनी के अंदर अगर तुमने स्टॉक खरीदा हुआ है, कंपनी जब बहुत एक्सेस में प्रॉफिट कमाती है उसको ऐसा रहता है कि अब ये पैसों से मैं और एक्सपांशन नहीं करना चाहता फॉर व्हाटएवर रीजन, कि मे बी काम का नहीं रहेगा, तो पैसे घर पे रख के तो अपन लोग ऐसा नहीं कि वो स्विमिंग पूल कूद रहा है उसके अंदर, तो वो जो शेयर होल्डर्स है तो उनको दे दिया जाता है, तो पर शेयर कुछ रुपये दिया जाता है, वो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू अलग चीज़ है, वो उसमें मेरे को मैथ्स से कोई मतलब नहीं है अभी का, तो ठीक है मैं बता रहा तुम लोगों को। हाँ तो डिविडेंड वैसे फेस वैल्यू पर जाता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं जाता है, पर मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो वो होता है डिविडेंड एक बेसिक सा, कि तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो तुमको मिल रहा है, वो वही बोल रहा हूँ, मुझे इतना अकाउंट्स का नहीं पता बेटा, तुम लोगों को जो चीज़ें पता है अभी मुझे नहीं आता है वो सब चीज़ें। तो अब ये देखो, अ स्टॉक बिगिंस टू पे डिविडेंड विथ द फर्स्ट डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो पहले कुछ भी था 1 साल बाद पहला डिविडेंड मिला तुम लोगों को, एक्सपेक्टेड टू बी कितना था, एक्सपेक्टेड टू बी रोकू बुक में पढ़ गया था कितना लिखा है उसमें, ₹100, ठीक है। ईच ईयर द डिविडेंड इज 10% लार्जर देन द प्रीवियस ईयर, तो देखो आफ्टर 1 ईयर, देखिए A1 1 साल बाद ₹100 था, 2 साल बाद 10% जाए तो 1.1 × 100 करूँगा मैं, 10% ज़्यादा है तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन निकालूंगा 1 + 10/100 यानी 1 + 0.1 है 1.1, तो तेरा कॉमन रेशियो 1.1 हो चुका है। अब तेरे को क्या बोल रहा है, इन विच ईयर विल द डिविडेंड बी लार्जर दैन 1000, तो तुम लोगों को सिंपल सा AN हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 1000 करना है, ठीक है। तो AN का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, A कॉमन रेशियो कितना मेरा 1.1 की पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 1000, तो 1.1 पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 10। बस अभी के लिए यहीं पर ला कर छोड़ दो, इसके आगे की चीज़ें तुम लोगों को लॉग वॉक के बाद में अपन देख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम बाद में भी कहना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना बस पहले एग्जांपल नंबर 19 जिनको नहीं आया था वो लोग एग्जांपल नंबर 19 रैप अप कर लेंगे।
आज जितने अपने वर्डेड प्रॉब्लम होंगे उतने ही करेंगे, कल से ज्योमेट्रिक मीन में स्टार्ट करवाऊंगा। ये वीक के अंदर मेरे को चैप्टर खत्म करना ही है कुछ भी हो जाए। आइए संजय जी, आ जाए तो बैठ सकते हो, एक बार कॉल कर ले, 5 बजे का था ना, रुक जाए 7 मिनट, वो आ जाइए थे। हो गया क्या? रोक रहे एग्जाम्पल 19 हो गया बेटा। ओके सही सही। हाँ हाँ हो गया अभी वो वाला। हाँ अब गाइस ये देखो, अब अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तुम लोगों को एक समझा देता हूँ, फिर तुम कुछ मार्क कर दो, तुम खुद से ट्राई करो ठीक है, फिर अपन अटेम्प्ट करेंगे इनको। अ मैन सेव 500 रुपये इन फर्स्ट मंथ एंड इन सक्सेसिव मंथ ही सेव्स ट्वाइस एज मच एज इन प्रीवियस मंथ। तो अगर मान लो पहले मंथ में मैंने अपने पिगी बैंक में 500 रुपये डाला है, तो अगले महीने में से डबल मतलब 1000 रुपये और डाल रहा हूँ मैं, फिर मैं और डबल मतलब 2000 रुपये डाल रहा हूँ, ऐसे करके डाले जा रहा हूँ। ये मैंने 6 महीने तक किया है पहले, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। फिर 7वें महीने से मेरा जितना था सेविंग, मान लो 6वें महीने मैंने 1 लाख रुपये, नहीं 1 लाख नहीं, 10,000 रुपये डाला था फॉर एग्जाम्पल, तो अब 7वें महीने में 500 रुपये कम डाला मैंने, तो 9,500 रुपये डाला। फिर 8वें महीने में और 500 रुपये कम डाला मैंने। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार तो देखो अभी ये क्या हो रहा है। पहले 6 महीने का तुम लोग GP का सम निकाल लोगे, 6 महीने के सेविंग पता चल गया तुम लोगों को। फिर 6th तो तुमको टर्म क्या है यानी A6 क्या है तुमको देखना पड़ेगा, जिसे तुम A7 A8 पता कर सको। मान लो मेरा 6th टर्म कितना आ रहा है, लो देखो एक सेकंड देखो, तो यहाँ आंसर में मेरा 6th टर्म आ रहा है 16,000 रुपये, ठीक है। तो पहले 6 टर्म्स का तो सम निकाल चुका हूँ मैं, मेरा A7 आ जाएगा 15,500 रुपये, फिर आएगा 15,000 रुपये, फिर वो आता जाएगा, तब ये बन जाएगा मेरा AP आगे के 6 मंथ्स के लिए। फिर ये 6 महीनों का मैं सम निकाल दूंगा, तो पहले 6 महीने का सेविंग प्लस आगे के 6 महीने का सेविंग इक्वल टू साल भर का सेविंग। देखो टोटल पिगी बैंक में कितना पैसा डाला तूने, वो पहले वो GP जैसा बनेगा, फिर इसका S6 निकालने के लिए जो रहेगा, देखो ये टर्म पता होना चाहिए A7, तो उसके लिए देखो यहाँ से पहले A6 निकालना पड़ेगा, उसका 500 कम करिए A7 और 500 कम तो A8, फिर बोलते ना आगे AP बन रहा है, तो उसका सम निकालेंगे 6 टर्म्स का AP का, दोनों को ऐड कर लेगी वैसे आके उससे AP जो बनेगा। तो अब देखो गाइस, तुम लोग पहले एग्जाम में 17th, 18th, 19th ट्राई करना, मैं तुमको एक बार हिंट दे दूंगा, 20th बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अभी अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है ना, तुम लोग टिल 19th ट्राई कर लो पहले, ठीक है ना, 17th, 18th एंड 19th। फाइन, नहीं समझ रहा है तो छाप मत लेना, पर एक बार सॉल्यूशन पढ़ने की कोशिश करना समझने के लिए, फिर मैं समझा ज़रूर दूंगा तुम लोगों को। आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूँ।
बेटा 17th एनीवन? नहीं। 18th में इशू किसी को? नहीं। 19th वाला भी एक बार ट्राई करो, मैं आप लोगों को और टाइम दे रहा हूँ। 19th भी अच्छा है, 20th भी अच्छा है, 21st भी आप लोगों को मोस्टली जम जाएगा, 22nd भी जम जाएगा थोड़े कोशिश करोगे तो, 23rd भी जम जाएगा, 24th भी जम जाएगा। मैं आप लोगों को 15 मिनट और दे रहा हूँ ये पूरे अटेम्प्ट करने के लिए। जो नहीं समझेगे इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, मैं बता दूंगा। पहले आप लोगों को जो जम रहे पूरे ब्रिस्क आप लोग अटेम्प्ट कर लो पूरे, फिर मान लो आपका 15 मिनट का टाइम कुछ बचा है तो उसका सोल्यूशन देखना और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। समझ जाए तो ग्रेट, नहीं तो मैं आपको एक एक समझा दूंगा। यस, ऑल एग्जांपल्स। फिर अपन लोग कल ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करते हैं, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। रिमाइंडिंग, ये मिड पॉइंट थ्योरम था आप लोगों के 9th में, कि अगर आप लोग मिड पॉइंट को जोड़ते थे, इसके एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट का जोड़ोगे तो इसकी लेंथ इसकी हाफ हो जाती थी। तो जैसे आई थिंक ये अगर मान लो 10 दिया हुआ था, ये 10 10 10, क्योंकि आपने मिड पॉइंट जोड़ा तो मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ये 5 5 5 हो गई है, ठीक है ना। उसने जो भी दिया लेंथ 24 दिया शायद, तो 12, और उसने इनफाइनाइट पूछा शायद से ना, ये कितने बोला है इनडेफिनेटली, तो आपको वो वाला लगना पड़ेगा।
को एक न्यू अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट आई होंगी गूगल मीट, तो उसको एक्सेप्ट करो ना। चलो अब एक बार के लिए डिस्कस कर ही लेते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर 18 वगैरह 19 एनीवन? ट्वेंटीएथ अच्छा क्वेश्चन है, ट्वेंटीएथ एनीवन? यस, देखो एक बॉल था, उसको मैंने कोई सर्टेन हाइट से छोड़ा है, दी गई है क्या? हाँ, 240 सेंटीमीटर की हाइट से छोड़ा है। देखो तो मान लो ये ग्राउंड लेवल था, ये 240 सेंटीमीटर के नीचे आया, फिर बाउंस बैक करके वैसे अपन ने जो नाइन्थ में पढ़ा था ना कि जिस ऑब्जेक्ट से हाइट छोड़ो उसी ऑब्जेक्ट पर पहुँचता है, तब वो डिफॉर्मेशन वगैरह जो था वो चीज़ें पढ़ी नहीं थी, बट अब वो छोड़ जानते, तुम इतना मत सोचो। वो अपने हाइट 4/5 हाइट तक के ही पहुँचा, फिर से फिर नीचे आया, फिर जो थी उसका 4/5 तक के जाएगा, फिर आएगा, फिर 4/5 4/5 4/5 करते करते इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो पहले 240 नीचे आया है, ठीक है, फिर 240 का 4/5 ऊपर गया है, जितना ऊपर गया फिर उतना ही नीचे आया है, फिर से अब ये जो टर्म था उसका 4/5 अगेन ऊपर गया होगा और उतना ही नीचा, इसलिए इंटू टू, फिर जितना था इसका 4/5 वापस ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा, ऐसा इनफाइनाइट टर्म से चल रहा है। देखो अगर इसको मैं भूल जाऊं तो ये मेरा जीपी बना रहा है, ठीक है? तो एक बार के लिए इसको आप लोग इग्नोर करो, अपन इस जीपी का एस इनफाइनाइट निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो एस देखो पहले तो कॉमन रेशियो तुम्हारा कितना हो चुका है इसका, 4/5 हो चुका है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 ज़ा, ये 48 ज़ा, 48 8 ज़ा, ठीक है ना? 64 + 6 8 = 32 38 384 हो चुका है, ए की वैल्यू हो गई है 384। तो आंसर आएगा ए अपॉन 1 - r, मतलब 384 अपॉन 1 - 4/5, मतलब 1/5, मतलब 384 × 5 हो जाएगा वो, तो 384 × 5 20 + 240 42 + 4 1920 हो चुका ये। तो वो तो ये रेड वाले जो जंप्स दिखा रहा था मैं वो वाले थे, प्लस ब्लैक वाला भी मुझे करना पड़ेगा 240, तो उससे आंसर मेरा आ जाएगा 062160 meters। समझे चीज़ क्या हुआ है? पक्का एक बार करना, तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं। इधर 20th 21st क्वेरीज के लिए आया 21st, 21st तक ही अटेम्प्ट किया रोकड़े, आगे क्या अटेम्प्ट किए? हाँ 22nd 23rd नहीं किया अभी तक, 24th वगैरह मैं और 7 मिनट 8 मिनट दे रहा हूँ रोकड़े, 20th अभी रुक जाओ बाद में करना, बचे जो 3 हैं वो पहले कर, फिर अपन लोग 5:35 को डिस्कस करते हैं बचे हुए भी, ठीक है ना? वो ठीक है तो अटेम्प्ट कर ले, अपन वापस रुक जाएंगे, कोई बात नहीं उसमें।
गाइस रोकड़े का अटेम्प्ट हो गया है, तो अभी एक बार के लिए ना मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ 22nd वाला। पहले भत्तड़ के लिए द गवर्नमेंट थ्रू अ सब्सिडी प्रोग्राम सब्सिडी प्रोग्राम इन फ्यूचर 10 लाख करोड़। वैसे देखो ये चीज़ है ना, तुम लोग क्योंकि अब कॉमर्स वाले हो तो इसलिए तुमको बताता हूँ मैं। सो कई बार क्या होता है ना, जब इकनॉमी की बैंडबाजी पड़ी होती है, इकनॉमी की बैंडबाजी पड़ी है मतलब कोई क्या कहते हैं खर्चा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको दिख रहा है भाई पैसे ही नहीं आ रहे हैं, कंपनियाँ बंद पड़ रही है, ये जो हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट अपने सिस्टम में नया पैसा प्रिंट करके बोले जो भी इन्फ्यूज़ करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपए डाल दिए, अब उसने बांटे मार्केट में, मार्केट में बांटे मतलब ऐसा नहीं कि ले तू 100 रुपये रख तू 100 रुपये, वैसा नहीं, उसने मान लो एक नया काम ला लिया, ठीक है, एक नई आईटी कंपनी खोल डाली, ठीक है, खुद से या खरीद ली और फिर उसने उसमें लगा लिया पैसा, तब अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया। अब लोगों का पैसा आया एम्प्लॉयज़ के पास में, तो वो एम्प्लॉयज़ के पास पैसा आ गया तो वो सेविंग नहीं, अब उनको रहेंगे ना भाई मेरे अब पैसा आ गया तो मैं जाके खर्चा करूँ, तो जाके उन्होंने डी मार्ट में शॉपिंग किया किसी ने ये ऐसा करके, तो पैसा फैला। पर जितना 1 लाख रुपये अगर हाथ में आया तो सबके 1 लाख रुपये खर्चा नहीं करते, लोग सेविंग भी करते हैं, तो भाई 20% सेविंग किया उन्होंने, 80% किया, फिर नए लोगों के पास में आया 80,000 रुपये मान लो, अब वो 80,000 का 20% लोगों ने सेव किया, 80% 64,000 लोगों ने स्पेंड किया, तो ऐसे कर करके नियरली सब लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू होता है, तो इकोनॉमी वैसे रिवाइव हो जाती है कि हाँ लोग फिर से खर्चा करना शुरू कर रहे हैं। देखो खर्चा इंसान नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आज रोकड़े खर्चा नहीं कर रही है जिन चीज़ों पर खर्चा करती थी, तो शायद से मेरी ट्यूशन बंद पड़ जाएगी उस कारण से, क्योंकि मेरे पास इनकम नहीं आएगी। मेरी ट्यूशन अगर बंद पड़ जाएगी मान लो, तो मैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए स्विमिंग क्लास जाता हूँ, तो स्विमिंग क्लास बंद पड़ जाएगी। आपका स्विमिंग क्लास अगर बंद पड़ गई तो वहाँ पर जो कोच था तो वो मान लो अपना बाइक की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल पर आना शुरू हो जाएगा, जो उसका साइकिल थी, तो पेट्रोलियम वाले के भी बंद हो जाएंगे, मैकेनिक की भी बंद होना शुरू हो जाएगी, ऐसे करके। तो ये सबकी बांट बसती है, तो इसलिए गवर्नमेंट करती है ये, तो बस मैंने ऐसी भावनाएं फैलाई है, ये सब कुछ नहीं पता भाई मेरे को, ये इतनी इकोनॉमिक्स रहती है मेरी स्विमिंग का। ओह मेरे को लगा मेरी स्विमिंग का एग्जाम्पल है, तो बम्बू हो जाएगा गवर्नमेंट। हाँ यस, देखो अभी द गवर्नमेंट थ्रू ये जो भी है 10 लाख करोड़ डाला है, इफ़ वी अज्यूम स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी स्पेंड 80% ऑफ व्हाट दे रिसीव, फिर उसके आगे और 80% जिसने रिसीव किया वो, ऐसा कर करके, तो बताओ इससे कितना पैसा आखिरी तक के में स्पेंड हुआ है, ठीक है ना। तो पहले था 10 वो लाख करोड़ आगे लिख लेना, फिर आगे उसका 80%, ठीक है ना, तो 10 × 0.8, फिर आगे वाला और 10 × 0.8 × 0.8 चला, कैसे इनफाइनाइटली अपन लोग आगे समझ रहे हैं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 - R 10 / 0.2, तो ये जाएगा 100/2 मतलब 50, ठीक है ना, 50 लाख करोड़ का मेरा आंसर आ रहा है। ये 40 कैसे गया, कुछ कैलकुलेशन गलती गया मैंने। ए अच्छा अच्छा पहला 10 तो स्पेंड ही नहीं हुआ सर, उन्होंने डाला तो उन्होंने 40 लाख ही स्पेंड किया, पहले गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और यूनियन टेरेटरीज को दिया था, सॉरी, तो पहला टर्म तुम्हारा ये रहेगा, सॉरी, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, ये समझा आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखो, हाँ इन्फ्लेशन मतलब उससे ये ज़रूर हो जाएगा कि अगर खूब सारा पैसा लोगों के पास में आ गया है, डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, पर ये इन्फ्लेशन नहीं होता है, बट उसका उल्टा भी हो जाएगा, तो वो और प्रिंटिंग हो जाता है, लोगों का ज़्यादा पैसा रहता है तो लोगों को और चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती है, बट वो चीज़ें मेरे को इतना आता नहीं इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 23, अब फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर इफ दैट इज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्ला 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 एंड सो ऑन, अगर 10 जनरेशन के खुद का है, ठीक है। अब सुनो, ये हूँ मैं मान लो, मेरे मम्मी पापा, ठीक है, मेरे मम्मी के मम्मी पापा हैं नाना नानी, यहाँ पे दादा दादी, और फिर इनके दो इनके दो इनके दो इनके दो, ऐसे कर करके ठीक है, 10 जनरेशन का पूछा है मेरे को, तो मेरे पहले जनरेशन में कितने लोग थे, तो 2 मम्मी पापा, उसके ऊपर और 4, फिर 8, ऐसे करते करते वो S10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये देखो 24th वाला, ये भी फुद्दू सा है, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आस्क ईच ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल इट टू 4 डिफरेंट पीपल, मतलब मान लो ये बेताड़ा था, इसने 4 लिखा था, ठीक है ना, मान लो ये था बेताड़ा, इसने 1, 2, 3, 4 को लिखा, इसने फिर 4 लोगों को लिखा, इसने चार, फिर इसने चार, ऐसा कर करके
ठीक है, अज्यूम दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड इट कॉस्ट 50 पैसे फॉर वन मेलिंग. तो बताओ जब ये फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड. देखो पहला सेट में 4 गए, दूसरे सेट में 8 नहीं 8 गए, 16 गए, सब 4 में 4 4 में 4 से हो गया होगा, ऐसे कर करके गया है. तुम लोग एस 8 आ गया, एस 8 निकाल लोगे. 4 लोग थे ना, 1 2 3 4, इसने 4 लोगों को किया होगा, इसने 4 लोगों को, इसने 4 लोगों को, इसने 4 लोगों को, तो 16 ये हो गए. वो छोड़ वो छोड़ वो समझा. देखो फिर जब तेरा एस 8 आएगा, देखो बिलिंग अमाउंट चाहिए है, तो पर मेल तेरा 0.5 रुपीज़ हो रहा था, तो दैट इंटू 0.5 तो आखिरी में कर लेगी. उसने पहले कर दिया है, वो वाला रेफरेंस है. समझा जी क्या हुआ है? श्योर? हाँ फट से अभी के लिए आप लोग ये बचे जो तीनों एग्जाम्पल से वो कर लो, फिर अपन लोग कल से ये ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. अगर आप लोगों का हो जाएगा तो येस यू कैन स्टार्ट लीविंग. और जब भी हो जाएगा कल से अपन लोग, ये आप लोग धीरे धीरे कर लेना यार, कल से अपन लोग प्लीज़ ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन वैसे बहुत बड़ा है नहीं, बट यू विल, अच्छा नहीं बहुत बड़ा है,
यू विल टेक एटलीस्ट 3 सेशंस आई वुड से. तो आज ट्यूजडे ना वेंसडे थर्सडे फ्राइडे यस बाय द एंड ऑफ दिस वीक विल एंड अप दिस चैप्टर. ओके 2 और 4 कैसे इक्वल होंगे?